वेलकम स्टूडेंट्स, आई एम शामली दत्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जमिनीकांत बी एड कॉलेज। जैसे कि मैं पिछले क्लासों में नाटक की परिभाषा और विभिन्न नाट्य शैली, किस किस क्षेत्र में नाटक को किस किस नाम से जाना जाता है उसके बारे में चर्चा कर रही थी, आज मैं नाटक के तथ्य क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में मैं चर्चा करूँगी। सबसे पहले नाटक के तथ्य, नाटक का नट धातु से उत्पन्न हुआ है। नाटक का अर्थ ही होता है कि जिस तरह से हम एक कहानी को दर्शाते हैं ताकि दर्शक उस कहानी को अच्छी तरह से समझ सके और सजीव पूर्ण नाटक को प्रदर्शित कर सके। अब आता है नाटक के तथ्य के बारे में। नाटक के तथ्य 7 प्रकार के होते हैं। एक है कथा वस्तु, 2 है पात्र का चरित्र चित्रण, 3 है संवाद, 4 है देश काल वातावरण, 5 है भाषा शैली, 6 है अभिनेता, 7 है उद्देश्य। सबसे पहले आते हैं कथा वस्तु। ये नाटक का मूल रूप होता है। कथा वस्तु में नाटक के 3 प्रकार होते हैं, एक प्रख्यात, एक उत्पाद और एक मिश्र प्रख्यात कथा। प्रख्यात का मीनिंग होता है प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना पर आधारित, यानी प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना पर आधारित मतलब होता है कि अगर आप कुछ नाटक समझ लीजिए, कुछ ऐतिहासिक नाटक महाराणा प्रताप को ही ले लिए हैं, उसका नाटक अगर आप दिखाना चाहते हैं तो वो पूरा दृश्य ऐसा दिखाना चाहिए कि महाराणा प्रताप के जीवन वृत्तांत को दर्शक अच्छी तरह से समझ सके। ऐतिहासिक रूप से उस नाटक को दिखाया जाता है। सेकंड है उत्पाद, यानी कल्पना पर आधारित। जैसे हम आपके कल्पना पर आधारित होता है, आपके कल्पना के द्वारा जो नाटक दिखाया जाता है, यानी आप जो अपने कल्पना पर आधारित आप जो नाटक बनाते हैं उसको नाटक के रूप में दिखाते हैं। थर्ड है मिश्र प्रख्यात कथा, यानी जो प्रख्यात कथा होता है, ऐतिहासिक हो या आपका ऐतिहासिक नाटक हो या कल्पना पर आधारित नाटक हो, ये दो जो मिश्रित रूप होता है उसको हम दोनों के मिश्रित स्वरूप को इस मिश्र प्रख्यात कथा में दिखाते हैं। ये हो गया कथा वस्तु के बारे में चर्चा। सेकंड है पात्र का चरित्र चित्रण। पात्र का चरित्र चित्रण टॉपिक देखने से आपको पता चल जा रहा है कि ये चरित्र चित्रण यानी किसी भी नाटक के एक पात्र होता है जिसका 2 प्रकार होता है, एक मुख्य पात्र, एक गौण पात्र। मुख्य पात्र क्या होता है? मुख्य पात्र का होता है जो मेन होता है पात्र, नाटक के पात्र में मेन होता है, जिसमें उसकी अभिनय को ज़्यादा दिखाया जाता है। और गौण पात्र, गौण पात्र का अर्थात होता है जो सह कलाकार होता है, यानी किसी भी नाटक हो या फिल्म हो, आप लोग कभी कभी देखते हैं कि फिल्म में कभी कभी गाना आ जाता है, कभी कभी सह कलाकार यानी को एक्टर कुछ हास्य रस प्रधान या कुछ दुखद प्रधान दृश्य दिखाते हैं तो वो सह कलाकार हो गया और उसी को ही हम लोग गौण पात्र के नाम से जानते हैं। यानी मुख्य पात्र मेन नेता होते हैं, मेन कलाकार होते हैं, और गौण पात्र को एक्टर यानी सह कलाकार होते हैं। थर्ड आ गया है संवाद। संवाद यानी जैसे अभी हम और आप के द्वारा जो कथा प्रस्तुत हो रहा है, यानी हम आपको सिखा रहे किस तरह से नाटक को हम लोग प्रेजेंटेशन देंगे और आप है दर्शक या श्रोता जो आप सुन रहे हैं कि नाटक को किस तरह से हम लोग करेंगे, किस तरह से उसको दर्शाएंगे, तो ये जो संवाद का माध्यम होता है उसको हम लोग संवाद कहते हैं। उसका कुछ पॉइंट होता है, यानी सबसे फर्स्ट पॉइंट है नाटक में नाटककार के पास अपनी ओर से कहानी का अवकाश नहीं रहता है, यानी जो नाटक करता है उसका कोई अवकाश नहीं होता है। सेकंड है वह संवादों द्वारा पात्रों के चरित्र का विकास करता है, यानी सबसे पहले जो एक पॉइंट में पढ़े थे मुख्य पात्रों, वो इस पे दर्शाया जाता है कि वो संवाद के माध्यम से उस पात्र का क्या कैरेक्टर है, क्या चरित्र होता है।
थर्ड है संवाद सरल होना चाहिए, सुबोध होना चाहिए और स्वाभाविक होनी चाहिए, यानी संवाद को बहुत ही इजी वे में दर्शक समझ सके इस तरह का होनी चाहिए। एंड फोर्थ है कथा वस्तु के अनुरूप होनी चाहिए, यानी जो प्रख्यात अगर आप ऐतिहासिक कथा प्रस्तुत कर रहे हैं या कल्पना पर आधारित कथा प्रस्तुत कर रहे हैं तो वो इसके अनुरूप होनी चाहिए। यानी आज हम कथा वस्तु, पात्र का चरित्र चित्रण और संवाद के बारे में चर्चा की है, जिसमें बहुत सारे पॉइंट में हम डिटेल्स बताए हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं देश काल वातावरण भाषा शैली अभिनेता और उद्देश्य के बारे में चर्चा करूँगी। थैंक यू।